हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हो गाइज आप सब? आशा करते हैं आप सभी एकदम ठीक ठाक से होंगे और मैं भी एकदम ठीक ठाक से ही हूँ। और आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छा वीडियो शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली ये जो वीडियो है ये हमारी लाइफ का बहुत ही स्पेशल मोमेंट था जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जी हाँ, ये मेरी नंदरानी के मेहंदी फंक्शन का वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना, हमारे लिए जो हमारी लाइफ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो हमारी खुद की शादी होती है, या फिर हमारे भाई बहन या फिर नंद या देवर की शादी होती है। तो मेरे जो नंद की शादी थी वो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल थी। तो यहाँ पर हो रहा है मेहंदी फंक्शन और यहाँ पर छोटी वाली बुआ जी मेहंदी लगा रही हैं, और छोटी वाली बुआ जी या जो हैं वो मेहंदी लगा रही हैं, और सारी बुआ लोग आई हुई हैं, सारी बुआ, सारी मौसियाँ, चाची, मामी, जितने लोग हैं, जितने भी रिलेटिव्स हैं हमारे, सभी ऑलमोस्ट आ चुके हैं और सब मेहंदी फंक्शन को खूब इंजॉय कर रहे हैं। और शुरुआत बुआ लोगों से की गई है मेहंदी लगाने की, तो यहाँ पर भी बुआ मेहंदी लगा रही हैं और मैं लग गई हूँ गाना गाने में, और यहाँ पर दादी जी भी हैं, और इसके बाद फिर आएंगी मम्मी। तो मम्मी को तो आप लोग जानते ही हो, मेरी सासू माँ को। तो ये है मेरी सासू माँ, और हम सास बहू में एक बात खास है कि हम दोनों को ही गाने बजाने का बहुत ही ज़्यादा शौक है। तो मैं यहाँ गाना गा रही हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा मेरा सॉन्ग जो है वो एंजॉय करिए। और हमारी पूरी फैमिली में मैं और मेरी सासू माँ मतलब नंबर वन है गाना गाने में, बजाने में, डांस करने में। ये सब हमें बहुत अच्छा लगता है, और हम ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता जहाँ हम गाना बजाना ना करें। मुझे मतलब घरेलू फंक्शन में बहुत अच्छा लगता है। और देख सकते हो आप, ये है दुल्हन की मेहंदी और यहाँ पर मैं शगुन की मेहंदी लगा रही हूँ। वैसे तो जो भैया होते हैं मेहंदी लगाने वाले या लेडीज़ जो पार्लर वाली होती हैं वो मेहंदी लगा के चली गई हैं, लेकिन अभी यहाँ पर सभी लोग शगुन की मेहंदी उनको लगा रहे हैं। शगुन की मेहंदी सब थोड़ा थोड़ा हाथों में लगाएंगे, इसको शुभ करना कहते हैं, जिसको सभी परिवार वाले शुभ करते हैं। तो चलिए आप लोग वीडियो को इन्जॉय। और जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मेरा भी मेहंदी फंक्शन ऐसा ही हुआ था, और इनकी शादी में बहुत सारी चीज़ें मैंने ही प्लान करी थी, क्योंकि जो शादी होती है ना उसमें जो फंक्शंस होते हैं वो जब बहुत अच्छे से होते हैं तो बहुत खुशी मिलती है। और यहाँ पर आ गए हैं अक्षत जो बुआ को मेहंदी लगाने आए हुए हैं, और आप देख सकते हो यहाँ पर अक्षत कितना छोटू सा, कितना क्यूट सा लग रहा है। और ये बहुत समय की बात नहीं हुई है, तब आद्या की बर्थ नहीं हुई थी, केवल अक्षत ही थे। और यहाँ पर आप मम्मी के गाने को एंजॉय करें। और अक्षत ना छोटे में ही बहुत ही ज़्यादा नटखट था, बहुत ही बदमाशी करता था ना, मैं इसको देख लेकर के बहुत ज़्यादा वरिड रहती थी। मैं किसी भी शादी फंक्शन में फिज़िकली वहाँ पर प्रेजेंट रहती थी, बट मेंटली मैं अक्षत के पास ही रहती थी। मुझे ऐसा लगता था पता नहीं इधर उधर हो जाएगा। और यहाँ पर मैं, मेरी सासू माँ और मेरी नंद, तीनों हम लोग फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हम तीनों लोग साथ में हैं, और काफ़ी स्पेशल मोमेंट होता है, और माँ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो।
होता है बेटी की शादी में एक ऐसी चीज़ होती है जो खुशी भी बहुत ज़्यादा होती है और पल पल आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। और यहाँ पर मेरे क्यूट क्यूट से देवर जी लोग आ गए हैं मेहंदी लगाने, तो आप लोग इनको भी देख लीजिए, ये दोनों लोग आज मेहंदी वाले बन गए हैं। तो इनको देख करके ना मुझे बहुत हंसी आ रही है, पता नहीं आप लोग को हंसी आ रही होगी कि नहीं, बट मुझे तो आ रही है। तो अभी ये एक दादी जी हैं, इनका डांस आप लोग देख लीजिए, इनके डांस को भी इंजॉय करिए। और मेहंदी फंक्शन हो या संगीत हो, उसमें डांस गाना ना हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर हम सब लोग लगे हुए हैं डांस करने में और खूब मस्ती कर रहे हैं, हंसते भी जा रहे हैं, डांस भी करते जा रहे हैं, और यही सब चीज़ें तो हैं। और मैं अभी आपके साथ म्यूज़िक के साथ नहीं डाल सकती हूँ क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है। फिर कभी अगर पॉसिबल हो सका तो मैं ऐसे ही डाल दूँगी, मुझे कॉपीराइट का कोई टेंशन नहीं है, एक वीडियो अलग से डाल दूँगी, तो आप लोग उसको देख करके इंजॉय करिएगा। और यहाँ पर दादी जी लोग हैं, हम मम्मी हैं, सभी लोग डांस कर रहे हैं और थोड़ा सा सभी लोग इमोशनल हो गए, सभी लोग थोड़ा सा आंखों में सबके आंसू आ गए। और लड़की की शादी होती ही ऐसी है, एक टाइम पे ना ऐसे ही आदमी इमोशनल हो जाता है, कितना भी कर लो कितना भी सोचो नहीं रोएंगे नहीं आंखों में आंसू आएंगे, बट आ जाते हैं। तो हम सब लोग यहाँ पर इमोशनल हैं और मम्मी तो पल पल हो जाती थी क्योंकि लड़की की शादी होती ही माँ के लिए ऐसी है। तो चलिए अभी आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए और हम लोग फोटो सेशन करा लेते हैं। तो दादी जी फिर से डांस करने में लग गई हैं। और शादी के टाइम पे दूल्हा और दुल्हन के जितने ठाट होते हैं, शायद ही लाइफ में उनको इतना अटेंशन कभी मिलता है। मुझे तो मेरी शादी याद आ रही है कि जिसको मतलब फ़ोटो सेशन कराने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, वो अपनी ही शादी की फ़ोटो अगर देख ले तो हर कोई उसी की फ़ोटो खींचता है, हर किसी को दुल्हन के साथ ही सेल्फी लेनी, हर किसी का अटेंशन दूल्हा या दुल्हन पर ही होता है। तो सेम चीज़ यहाँ पर हो रही है, दुल्हन जो है वो बीचों बीच खड़ी हुई है और चारों तरफ से सभी लोग उसके ऊपर फूल डाल रहे हैं, और देख करके ना कितना अच्छा मतलब लग रहा है यहाँ पर। और इतना टेंशन दुल्हन को मिलता है ना, तो मतलब दुल्हन को भी बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है कि सब लोग उसको घर में इतना प्यार करते हैं, इतना चाहते हैं, इतने उसके चाहने वाले लोग हैं। मुझे तो मतलब जो मुझे उस टाइम फील हो रहा था वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और देख सकते हो आप यहाँ पर सभी उनकी भाभियाँ, बहनें, मम्मी, चाची, दादी सभी लोग हैं, पूरी हमारी फैमिली है और हम सब मतलब एक साथ मिलकर के फंक्शन को इंजॉय कर रहे हैं। साथ में बातें भी होती जा रही हैं, सबकी मस्ती भी होती जा रही है और हंसते भी जा रहे हैं, रोते भी जा रहे हैं, सब कुछ एक साथ हो रहा है। तो लवली मोमेंट हमारे लिए बहुत ही अच्छा मोमेंट है ये। और यहाँ पर दीदी की सभी बहनें आ गई हैं, यहाँ पर मैं हूँ और यहाँ पर देख सकते हो आप मेरी फ़ोटो है। मैंने तो खूब फ़ोटो क्लिक करवाई थी उनकी पूरी शादी में, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा शौक है। और यहाँ पर भाभी लोग हैं और सबसे अच्छी एक चीज़ ये होती है ना कि अपने ही घर की शादी में ना कोई रोक टोक नहीं होती है, फुल वेंदास होकर के। जितने आपको हम लोगों को लहंगे का इतना शौक़ था, मैंने 2-3 लहंगे इनकी शादी में स्पेशली बनवा लिए थे। यहाँ पर मेरी सभी बुआ सास लोग आ गई हैं फ़ोटो क्लिक करवाने, तो आप लोग मिल लीजिए मेरी बुआ सास लोगों से भी। और
इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पे थोड़ा सा इमोशनल मम्मी और दीदी अगेन हो गए हैं और हमें लोग को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब उस टाइम पे ना बता नहीं सकते हैं कि अब फंक्शन ऑलमोस्ट हो चुका था, खूब डांस खूब मस्ती करने के बाद ना बहुत अजीब सा फील हो रहा था। लास्ट में बहुत थोड़ा सा इमोशनल टाइप वाला माहौल हो गया था। और यहाँ पर मैं अपनी सिस्टर इन लॉ का आपको पूरा फुल लुक दिखाऊंगी। वैसे इनको ना सजने संवरने का बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा शौक नहीं है, बहुत ही कहते कहते ये तैयार होती हैं। तो अभी देख लो, बिल्कुल सिंपल तरीके से रेडी हुई हैं और बहुत ही कहते कहते रेडी हुई हैं, और पर फिर भी बहुत प्यारी लग रही हैं। आप लोगों को कैसी लग रही हैं आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ करके ना मुझे बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है। तो चलिए, अभी मैं अपनी वीडियो का अभी एंड नहीं करूँगी यहाँ पर। अभी मैं आपको मिलाऊँगी अपने नाना जी से। यहाँ पर है नाना जी और दीदी लोग, इनके साथ फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं। इनकी थोड़ी सी तबीयत उस टाइम पे ठीक नहीं थी तो ये नीचे ही बैठे हुए थे, तो सब लोग यहाँ पर आ गए हैं नाना जी के साथ फ़ोटो क्लिक करवाने। तो आप लोग भी हमारे नाना जी से मिल लीजिए, और बहुत ही हमारे लिए रिस्पेक्टेड पर्सन हैं ये। और लास्ट में यहाँ पर सबका खाना पीना हो रहा है, सब लोग खाना पीना खा रहे हैं। फंक्शन के लास्ट में खाना पीना ना हो तो पूरा फंक्शन अधूरा होता है। तो मस्ती से सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए, मैं वीडियो कहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।